पाकिस्तान क्रिकेट में मची खलबली, बाबर आजम ने छोड़ी कप्तानी, सोशल मीडिया पर आ गई तबाही। जी हां, वजह जानकर दोस्तों आप भी हो जाएंगे हैरान। आपको बता दें कि पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। वो वनडे और टी20 टीम के कप्तान थे। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही टीम का कप्तान बनाया गया था। हाल के समय में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, तो टीम को बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम पहले ही दौरे से बाहर हो गई थी और टीम को यूएसए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से ही बाबर आजम पर ही लिमिटेड ओवर की टीम की कप्तानी छोड़ने का दबाव बन रहा था। दोस्तों जिसके बाद तो बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए लिख ही दिया। उन्होंने लिखा, मैं आज आपके साथ कुछ न्यूज शेयर करना चाहता हूं। मैंने पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जिसे सुनकर तो मानो पाकिस्तानी फैंस एकदम उछल कूद करने लगे। मैंने पिछले महीने पीसीबी और टीम मैनेजमेंट को इस बारे में बता दिया था। इस टीम का नेतृत्व करना सम्मान की बात है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं पद छोड़ दूं और अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करूं। दोस्तों उन्होंने आगे यह भी लिखा, कप्तानी एक बहुत बड़ा सम्मान है और इसके साथ साथ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहता हूं, अपनी बल्लेबाजी का आनंद उठाना चाहता हूं, मैं परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, जिसमें मुझे एक खुशी मिलती है। कप्तानी का पद छोड़ने के बाद मैं ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर ही लगाऊंगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था, इसके बाद बाबर आजम खुद ही कप्तानी छोड़ी है? और हाँ, क्या वहाँ के टीम मैनेजमेंट ने उन्हें जबरदस्ती कप्तानी से निकाल दिया है? और क्या छोड़ने के बाद विराट कोहली के जैसे वह अपने पर्सनल लाइफ और क्रिकेट में इतना ध्यान लगा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ठोक दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।